ओके सो हाय गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस, मेरा नाम है करण एंड आज की इस नई वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं प्रणपी जगह का जी न्यू वाला कॉन्सेप्ट। एंड जो गाइस ये कॉन्सेप्ट होगा हमारा काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है गाइस। एंड इसमें जो मैं कॉन्सेप्ट का मेरा बैकग्राउंड पेज जिसका मैं यूज करूंगा इस कॉन्सेप्ट में, सभी का लिंक आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप इजीली वीडियो देखने वाले जगह डाउनलोड कर लेना। एंड गाइस, अगर अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि यार आपके लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलता है। और अगर आप लोग यार चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो। एंड गाइस, अगर आप लोग इस फोटो को अगर एडिट करते हो तो गाइस मेरे को इंस्टाग्राम पे टैग करना मत भूलना, क्योंकि गाइस मैं वहां पे आप सभी की पोस्टों को देखता हूं। एंड गाइस, जो मेरे को पसंद आती है मैं उसको यार अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में मेंशन भी करता हूं, तो प्लीज यार आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे टैग जरूर करना। एंड गाइस, इंस्टाग्राम का जो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप इजीली जाकर वहां पे इंस्टाग्राम पे मेरे चैनल का नाम सर्च कर सकते हो, तो वहां पे आपको इजीली मैं दिख जाऊंगा, वहां पे मेरा अकाउंट दिख जाएगा। तो बाकी चलिए गाइस, आज की इस नई वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आप सीखो करना क्या, गाइस आप सभी को अपनी फोटो का गाइस किसी भी जगह पे ऐसे लेट के पहले फोटो क्लिक करवाना है। देन गाइस इसका बैकग्राउंड रेस करना है। एंड बैकग्राउंड रेस करने के लिए यहाँ पे यूज करेंगे हम ड्रॉ टूल का। ड्रॉ टूल में ले जाने के बाद गाइस आप सभी को अपनी फोटो का यहाँ पे लेयर को सिलेक्ट कर लेना। एंड गाइस इरेजर टूल में जाना है। इरेजर टूल में जाने के बाद गाइस साइज को अपने अकॉर्डिंग रख लेना गाइस आप सभी को। एंड गाइस उसके बाद आपको फोटो को जूम करके फटाफट से इसको यहाँ पे रेस कर लेना है। एंड गाइस इतना कर देने के बाद गाइस आप सभी को फिर क्या करना है गाइस, आप सभी को इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। फिर गाइस आपको यहां से चले जाना ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस जिस मॉडल का भी हमने बैकग्राउंड रेस किया था आपको उसको ले लेना है यहाँ पे। एंड उसको लेने के बाद गाइस आप सबको यहाँ पे जो है मॉडल को कुछ स्टेप से यहाँ पे इसको इतना साइज रख लेना है, ठीक है, कुछ स्टेप से जितना आप सबको स्क्रीन में दिख रहा होगा। देन गाइस इतना कर देने के बाद आप सबको ऐड फोटो में दोबारा जाना है। एंड गाइस उसके बाद जो ये फ्रेम का पीएनजी गाइस आप सबको सिंपली इसको यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है, इसका भी लिंक आप सबको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो गाइस इसको फ्रेम को ऐड करने के बाद आपको इरेजर टूल के ऊपर जो ऑप्शन दिख रहा है गाइस आपको उस पर क्लिक करना है। इसको गाइस मूव बैक कर देना है, ठीक है मूव डाउन कर देना, सॉरी बैक नहीं, मूव डाउन कर देना है। एंड गाइस उसके बाद आप सबको यहाँ पे उसकी ओपेसिटी कम करना है, अपने मॉडल की ओपेसिटी लेना है एंड उसकी ओपेसिटी कम करना है। देन गाइस आपको यहाँ पे देखना है कि गाइस आपको जो मॉडल है गाइस वो मतलब कि जो इसके फ्रेम है उसके अंदर मतलब फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि गाइस हमें ऊपर का जो एरिया भी इसमें इरेज करना है तभी ये रियलिस्टिक लगेगा, ठीक है। तो आप सभी को ये चीज़ यहाँ पे देखना है। एंड उसके बाद आपको ओपेसिटी कम ज़्यादा करके चेक करना है ये चीज़, तभी यार अच्छे से मतलब एडिट हो पाएगी, ठीक है। तो इतना कर देने के बाद आप सबको जब इतना कर लोगे तो इरेजर टूल में जाना है। इरेजर टूल में जाने के बाद गाइस आपको हार्डनेस को यहाँ पे फुल करना है। गाइस उसके बाद फोटो को जूम करना है, यहाँ से फटाफट से जो वेस्ट एरिया है आपको उसको इरेज कर लेना है। इतना कर देने के बाद गाइस आप सबको फिर क्या करना है गाइस, आप सबको यहाँ से चले जाना ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस यहाँ से आप सबको एक ब्लैक शीट लेनी है गाइस, ठीक है, क्योंकि हम शैडो बनाने के लिए यहाँ पे यूज करेंगे जिसका। एंड इरेजर टूल में जाने के बाद उसको इसको इन्वर्ट करना है। एंड गाइस ब्रश को लेना है गाइस, यहाँ पे ब्रश को लेने के बाद आप सबको फिर क्या करना है, आपको फोटो को जूम करना है। एंड उसके बाद गाइस नीचे के एरिया में आप सबको पेंट कर लेना अच्छे तरीके से, जिससे गाइस आपकी जो शैडो है एकदम रियलिस्टिक सी लगे। इतना हो जाने के बाद गाइस आप सबको फिर क्या करना है गाइस, यहाँ पे आपको थोड़ा सा मतलब कि जो यहाँ पे जो इसका सैचुरेशन थोड़ा मैनेज करना है। उसके लिए क्या करेंगे, मैसेज जाएंगे टूल्स में, फिर जाएंगे अडजस्ट में। अडजस्ट में जाने के बाद गाइस आपको नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे आप सबको एक सैचुरेशन वाला ऑप्शन दिखेगा गाइस, ठीक है, तो आपको ऊपर की तरफ ही दिख जाएगा, स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं है। फिर आपको इसका सैचुरेशन जो है गाइस ऊपर की तरफ बढ़ा देना है, क्योंकि गाइस आपका जो मॉडल होगा वो बैकग्राउंड से परफेक्ट तरीके से मैच हो जाएगा। तो आप सबको देखो यहाँ पे मॉडल जो हमारा मैच हो चुका है। अब गाइस यहाँ पे हमारी बारी आती है कलर करेक्शन की, जो कि गाइस हम करेंगे लाइट रूम ऐप में। तो अभी इस फोटो को हम यहाँ पे सेव कर लेते हैं एंड इसको लेकर चलते हैं लाइट रूम ऐप में। तो ऐसे चलते हैं हम बैक।
एंड बैक जाने के बाद गाइस आप सभी को फिर क्या करना है, फोटो यहाँ पे ऐड करना है। एंड इसके बाद गाइस आपको ऑटो वाला टूल है जो गाइस इसको पहले आपको यूज़ करना है। एंड गाइस अगर इसका कलर एडजस्ट आपको अच्छा नहीं लगता तो आप सिंपली इस लाइट वाला ऑप्शन में जाकर इसका कलर एडजस्ट आप मतलब कि कलर एडजस्ट नहीं मतलब लाइट इफेक्ट आप इसका एडजस्ट कर सकते हो। एंड गाइस कलर एडजस्ट करने के लिए आप सभी को फिर क्या करना है, आपको कलर्स वाला ऑप्शन में जाना है। कलर्स वाला ऑप्शन में जाकर मिक्स टूल में जाना है, ऑरेंज कलर को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना आप सभी को। एंड गाइस उसके बाद आपको जो इसका सैचुरेशन है गाइस वो अपने फेस के अकॉर्डिंग आप जितना रखना चाहो उतना आप यहाँ पर सैचुरेशन माइनस कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपको फेस के ऊपर अपना मतलब कि लाइटिंग चाहिए तो आप इस ल्यूमिनस को बढ़ा सकते हो, ठीक है। फिर इसके बाद आपको जाना येलो कलर में, आप गाइस चाहो तो जो सनसेट दिख रहा है आपको इसमें गाइस आप उसका कलर भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ह्यू का माइनस में रखेंगे। एंड गाइस उसके बाद आप सबको इसका थोड़ा सा सैचुरेशन बढ़ा देना है। देन गाइस आपको जाना है ऐसे डार्क ब्लू में, क्योंकि गाइस हमें ब्लू कलर नहीं चाहिए तो इसलिए हम इसका सैचुरेशन बिल्कुल माइनस कर देंगे। एंड उसके बाद यहाँ पे हम इसको सिंपली डन वाला ऑप्शन पे क्लिक करके इसको यहाँ पे डन कर देंगे, ठीक है। क्योंकि जो हमारा यहाँ पे जो कलर्स का काम था वो हो चुका है। अब आप सबको क्या करना है गाइस, आपको जो थ्री डॉट्स दिख रहे हैं कलर के साइड में आपको उस पर क्लिक करना है। एंड गाइस शेडो के सामने जो आप सबको ये ऑप्शन दिख रहा है गाइस आपको सिंपली इसके ऊपर एक बार क्लिक करना है, ठीक है, इस तरीके से। एंड उसके बाद जो इसका ह्यू होगा आपको उसको ले जाना है येलो कलर में, ठीक है। येलो कलर में जाने के बाद गाइस जो इसका सैचुरेशन है आपको उसको भी थोड़ा बढ़ा देना है, ठीक है, मतलब कि अपने अकॉर्डिंग बढ़ा देना, आप जितना रखना चाहो उतना बढ़ा सकते हो। देन गाइस आपको जाना है मिड टोन में, गाइस मिड टोन का ह्यू जो है इसको भी ले जाना आपको येलो टोन में। एंड उसके बाद गाइस इसका सैचुरेशन भी आप अपने अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हो जितना आप रखना चाहो, ठीक है। फिर इसका जाना आपको यहाँ पे हाईलाइट में, हाईलाइट को ले जाना गाइस आप सभी को यहाँ पे येलो कलर में। एंड इसका भी सैचुरेशन आप अपने हिसाब से जितना चाहो उतना बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो गाइस देख सकते हो हमारी फोटो में एक अलग ही टोन आ चुकी है। तो अभी हम यहाँ पे इसको डन करते हैं, चलते हैं ऐसे कलर के नीचे वाले टूल में। कलर से नीचे वाले टूल में जाने के बाद गाइस आपको फोटो की क्लियरिटी है गाइस आपको उसको बढ़ाना है। एंड जो गाइस फोटो में विग्नेट है वो अपने अकॉर्डिंग डालना है, ठीक है, क्योंकि यार विग्नेट किसी को पसंद होता है किसी को नहीं होता, तो इसलिए आपको अपने अकॉर्डिंग डालना है। देन आपको ग्रेन अमाउंट है जो आपको उसको बढ़ा देना है थोड़ा सा। एंड उसके बाद आपको जाना है यहाँ से नीचे वाले टूल में, फोटो की जो शार्पनेस होगी गाइस आपको उसको बढ़ा देना है। एंड गाइस नीचे आप सभी को मिलेगा इसके नीचे कलर नोटरुक्शन, जैसे कि आपको दिख रहा होगा ये, इसको आपको थोड़ा सा बढ़ा देना है। एंड चाहना नीचे स्क्रॉल करना आपको अभी मिलेगा कलर नोटरुक्शन, आपको उसको भी बढ़ा देना है, ठीक है। तो गाइस फाइनली जो फोटो का रिजल्ट आएगा देखिए आप सभी के सामने, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कलर रिचार्ज भी कर दिया, सब कुछ कर दिया। तो गाइस आई होप कि यार आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, और अगर चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लो। और बाकी गाइस चलिए मैं मिलता हूँ सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।